आज ये प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है वो इस संबंध में है कि जैसा आप सभी को पता है कि 28 तारीख को एक वारदात हमारे यहाँ हुई थी सिटी थाने के अंदर सर्राफा बाज़ार से। जो कंप्लेनेंट मिराजुद्दीन है, जो 15 साल से सोने के आभूषण बनाने का काम करते हैं, वो अपनी दुकान बंद करने के बाद में रात को 8 बजे के आसपास अपने घर के लिए जा रहे थे। तो उस दौरान तीन चार लड़कों ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी स्कूटी उनसे छीन ली थी, और उन्होंने बताया था कि स्कूटी के अंदर उसमें गोल्ड भी था। जब वो स्कूटी छीनी गई तो वो गोल्ड भी उसके साथ साथ वो चोरी हो गया था। तो उसमें हमने जांच करी थी, मुकदमे की जांच जो है हमारी CIA की दोनों टीम हमने लगाई थी इसके ऊपर, जिसमें कि बाद में CIA 1 को इसमें सफलता मिली है, और हमने इसमें वारदात को ट्रेस करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें टोटल पांच आरोपी थे जिन्होंने वारदात करी थी, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया है और एक अभी उसकी गिरफ्तारी बकाया है, वो फरार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो चार आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है वो हैं, एक अमित है, 23 साल उम्र है इसकी, ये सोंगरी का रहने वाला है। एक सुरेंद्र है, ये भी 23 साल की उम्र है, ये बाता गाँव का रहने वाला है। और इसके अलावा जो बाकी तीन लड़के थे, ये तीनों नारनौंद के थे, जिनमें से दो गिरफ्तार हो गए, दोनों संदीप हैं, नारनौंद के रहने वाले, और एक लड़का जो है अभी इसकी गिरफ्तारी भी बकाया है। तो इन चारों लड़कों ने जो है कि लूट की अंजाम जो जो योजना बनाई थी, ये अमित जो है लड़का जो सोंगरी का रहने वाला है, इसने बनाई थी योजना, और सारी प्लानिंग बनाने के बाद में इसने इनको अपने साथ प्लान में शामिल किया। इन्होंने इसकी रैकी करी थी तीन चार दिन तक इसकी दुकान की, और उसके बाद योजना के अनुसार इन्होंने मार्केट में जब ये दुकान को बंद करके अपने घर जा रहे थे, तो उस दौरान इन्होंने इसके साथ हाथापाई करते हुए इसकी स्कूटी छीन ली थी, और स्कूटी को छीन करके इससे यहाँ से मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद में जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें फुटेज आई थी, फुटेज में इनके कुछ फेसेस पार्शियली विजिबल थे, किसी किसी में कुछ क्लियर विजिबल थे। उसके आधार पे इसकी अमित की पहचान की गई, और उसके बाद में अमित की जब पहचान हुई तो अमित का फिर हमें मोबाइल नंबर मिला, मोबाइल नंबर जो है उसकी लोकेशन एक्टिव थी, उसके आधार पर इसको इसके घर से गिरफ्तार किया, और इसी ने उसके बाद में गोल्ड की भी रिकवरी करा दी है, जो कि पूरा जो गोल्ड था वो रिकवर हो गया है। और उसके बाद में जो बाकी जो तीन साथी थे उनके नाम भी इसने अमित ने ही बताए, और उसके बाद में इन तीनों को भी RKSD कॉलेज कैथल के पास से गिरफ्तार किया गया है कल रात को। वारदात से एक महीना पहले जो घटना हुई थी इसी के साथ, उसमें भी यही लोग शामिल थे? नहीं, उसमें ये लोग शामिल नहीं थे। जो वारदात थी वो पहले, जो एक महीना पहले जो वारदात जो अटैम्प्ट हुआ था इसके साथ में, उसमें और कोई लड़के थे, ये शामिल नहीं थे। ये लड़कों जो है इनकी पहली वारदात है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है इससे पहले। और अमित जो लड़का है इसने ही ये जब योजना बनाई थी, ये आवारा किस्म का लड़का है, कोई कुछ काम धंधा नहीं करता है, 23 साल इसकी उम्र है और ये 12वीं पास है। इसने ये प्लानिंग करके, और इन तीन चार लड़के जो यहाँ पे ये जो थे, इनमें से दोनों जो नारनौंद के जो लड़के हैं वो यहाँ पे सेना में भर्ती की कोचिंग के लिए आए हुए थे, वो यहाँ पे कोचिंग में है, तो उनको इसने अपनी दोस्ती जो थी इनकी उसमें अपने साथ इनको शामिल किया और मिल करके ये प्लान बनाया। कितना गोल्ड था सर जो रिकवर किया गया? इसमें ये बात हम बताना चाहेंगे कि जो जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी FIR, तो उसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि 250 से 300 ग्राम के करीब उसका गोल्ड था, और उसको इसका एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं था कि कितना गोल्ड था। जब कल जो रिकवरी हुई उसके बाद में हमने फिर कंप्लेनेंट को बुलाया था, और उसकी भी उसके बाद में उससे पूछताछ की गई, तो उसमें बात यह आई कि जो उसने वेट पहले बताया था 250-300 ग्राम, वो पूरे बैग का और उसके अंदर बैग के अंदर बॉक्सेस थे और उस सबका पूरा वेट मिला करके था, जिसके अंदर एक्चुअल जो गोल्ड था वो 57 ग्राम था, और पूरा 57 ग्राम गोल्ड जो है एक्चुअल रिकवर कर लिया हमने। उनके सामने ही पूरा वो बॉक्स और डिब्बियों के साथ में उसको तोल करके इनके दिखाया, तो उसका वेट बल्कि उन्होंने 250-300 ग्राम बताया था, एक्चुअल वेट हमारा 354 ग्राम बैठ रहा था टोटल, बल्कि उसमें लेकिन गोल्ड जो है वो सिर्फ 57 ग्राम था, और सारा सारा 57 ग्राम जो गोल्ड है वो रिकवर हो चुका है। सर एजुकेशन कितनी है अमित? इसमें अमित 12th पास है, सुरेंद्र 10th पास है, और संदीप जो दोनों हैं ये 12th पास हैं। संदीप जो दोनों हैं ये तो सेना में भर्ती की कोचिंग ले रहे हैं यहाँ पे। सुरेंद्र जो है ये बाता गांव में ही थोड़ा पुजारी का काम करता है, यानी कि लोगों के पतरे वतरे देखता है और उनको उसके भविष्य वगैरह बताता है, उस तरीके का वैसा ही काम करता है यानी। और अमित जो है आवारा किस्म का है, इसका कोई काम नहीं, धंधा कुछ नहीं है। ये स्कूटी वगैरह भी कोई रिकवर नहीं, अभी तक इसमें स्कूटी और बाइक की रिकवरी पेंडिंग है। जो एक बाइक पर ही आए थे तीन लड़के, दो लड़के पैदल आए थे, तो एक तो बाइक की रिकवरी पेंडिंग है, एक स्कूटी जो इन्होंने की थी स्नैचिंग उसकी रिकवरी पेंडिंग है। तो आज इनका रिमांड लिया जाएगा पेश करने के बाद में, और उसके बाद में इनसे रिकवर की जाएगी स्कूटी और बाइक। वो भी नारनौंद का ही रहने वाला है, और उसका नाम यह है कि पहले हम उसको कर लें, इसलिए हम उसका नाम मीडिया के सामने बताना नहीं चाह रहे। बाकी नारनौंद का ही रहने वाला है वो लड़का। बैकग्राउंड भी कुछ है कि पहले भी कोई वारदात तो कोई इन्होंने अंजाम दिया हो? नहीं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले कोई नहीं है पीछे से। नहीं, अमित तो आवारा किस्म का था, बाकी लड़कों की बैकग्राउंड जैसे परिवार से? बाकी परिवार भी ऐसे ही हैं, जैसे दोनों लड़के हैं ये सेना में कोचिंग के यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल गांव के वहाँ नारनौंद के रहने वाले हैं, और इनका बैकग्राउंड ऐसा ही है, कुछ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है अभी तक ये बात कही जाए। जब नहीं, इन्होंने अमित ने ही ये प्लान पूरा बनाया था, और बाकी इन इसको इनको अपने साथ में शामिल किया था कि भाई हम इस तरीके से एक वारदात देते हैं उसको, क्योंकि पता था वो पीछे इसने 4-5 दिन रैकी भी करी थी कि डेली रात को ये बंद करने के बाद दुकान इस तरीके से अपने घर जाते हैं, और उस टाइम पे इनकी जो स्कूटी के अंदर ये कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड रख के ले जाते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट उसको भी नहीं पता था, क्वांटिटी भी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन उसको ये था कि स्कूटी भी मिल जाएगी और साथ साथ स्कूटी के साथ में गोल्ड भी कुछ मिलेगा, तो पैसा अपने आप में आ ही जाएगा। वारदात को अंजाम देने के पीछे कुछ रीजन बताया हो पूछताछ? नहीं, रीजन बस यही है कि वो पैसे के लिए करा है उसने, अमित ने प्लानिंग करी थी सारी, उसका यही था कि कुछ पैसा आ जाए, कुछ काम धंधा करता नहीं है वो।
तो बेसिकली इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, वो किसी किधर शहर से बाहर चले गए थे या यहीं घूमते रहे सर? नहीं, पहले शहर से बाहर चले गए थे, लेकिन जब उस टाइम पे 4-5 दिन जो उसमें हमें वारदात सॉल्व करनी, तब तक उन्हें लगा कि पुलिस को कोई क्लू लगा नहीं है, वो वापस आ गए थे। तो उस टाइम जब ये कल इनकी हिरासत डाली गई, तब ये अमित जो लड़का था ये भी अपने घर पे ही मिला, और उसके बाद में ये तीनों लड़के जो थे वो भी यहीं पे आर के एस डी कॉलेज के पास में मिले, लेकिन वारदात करने के बाद में उस टाइम ये शहर छोड़ के फरार हो गए थे। नहीं, अभी आगे इनका प्लान था, अभी तो इनके घर से बरामद हो गया, अमित ने बरामद करा दिया, आगे इनका प्लान था कि भाई कहीं भी करते हैं, अभी तक इनका ऐसा था नहीं कि किसके पास बेचेंगे कहाँ बेचेंगे। कोई और भी बंदे शामिल हो इसमें? और लोग नहीं, टोटल 5 ही हैं, 4 हो चुके हैं, एक 5वां लड़का जो है वो फरार है। सर, ज्वेलर्स की मांग है कि वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से वहाँ पर राइडर वगैरह की जाए, तो इसका आरोप बनाया जी? बिल्कुल, जो अभी जिस दिन वारदात हुई थी उसी दिन से हमने सिटी थाना को डायरेक्शन दे दी थी, वहाँ पर पूरी तरह से गश्त बढ़ा दी गई है, और हमारी राइडर भी कंटिन्यूस वहाँ पर गश्त करती है, और शाम के टाइम रात के टाइम पर खासतौर से ध्यान रखा जाएगा जिससे कि आगे इस तरह की वारदात कोई ना हो।